लाइटिंग कंडीशन में आपको अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले मिलने वाली है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86 परसेंट के आसपास है बात करो फॉर्म फैक्टर की तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट नाइन की थिकनेस मिलती है 495 ग्राम वेट दिया गया है मल्टी स्क्रीन फीचर भी मिल जाता है बात करें प्रोसेसर की तो तरफ से स्नैप ड्रगन सिक्स एटी फाइव वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो की बजट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल का प्रोसेसर है अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा टेबलेट एंड्रॉड थर्टीन पे आता है मेजिक पॉइंट वन पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा सेवेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी एम की बैटरी मिल जाती है

कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर फोर्थ पे जो टैबलेट आता है वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी पैड टू तो अगर आपको ट्वेंटी के बजट में कोई सा एक बेस्ट टैबलेट चाहिए जहां पर बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ स्टाइलस का सपोर्ट मिल जाए बहुत ही अच्छा और पावरफुल का प्रोसेसर हो उसके साथ साथ तगड़ी बैटरी लाइफ भी हो तो रियलमी की तरफ से पैट टू के साथ आप जरूर जा सकते हैं यहाँ पर इलेवन पॉइंट इंचेस की टू के टी पैनल देखने को मिल जाती है जो की वन तक के रिफ्रेश वो करती है एटी का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है फोर इसकी पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी जो की नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में इनफ ब्राइट है बात करो फॉर्म फैक्टर की तो यहाँ पर सेवन पॉइंट की थिकनेस मिलती है 499 ग्राम वेट दिया गया है बैक में ग्लोइंग स्लाइस वाला डिजाइन मिल जाता है बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर मीडिया की तरफ से हिलियो जी वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो की बहुत ही अच्छा और है टेबलेट एंड्रॉइड ट्वेल पे आता है रियलमी वाई फोर पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा एटी थ्री की बैटरी भी मिल जाती है जो की थर्टी थ्री के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है बाकी बात करो कैमरे की तो यहाँ पर बैक में सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलेगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सीटर है यहाँ पर आपको क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे डॉल एटमोस का सपोर्ट दिया गया है डायनेमिकली करने का ऑप्शन भी मिलता है बाकी यहाँ पर कोई भी कंपनी की तरफ से स्टाइलिस का सपोर्ट नहीं मिलता है अलग से थर्ड पार्टी स्टाइल को परचेस करके जरूर यहाँ पर यूज कर सकते हैं बाकी उसके साथ साथ मल्टी स्क्रीन कोलेबोरेशन डुबल विंडोज स्प्लिट स्क्रीन और स्क्रीन स्क्रीनिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं बाकी फाइनली बात करू प्राइसिंग की तो करेंटली स्मार्टफोन का वाई प्लस एल वाला वेरियंट आपको सिक्स प्लस वन ट्वेंटी रोम वाला सेवेंटीन थाउजेंड नाइन में मिल जाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर थर्ड पे जो टैबलेट आता है वो आता है की तरफ से टेन M10 5G तो लेनो जो ब्रांड है जो हुआ है। पर की नाइनटी तक रिफ्रेश वो करती है फोर हंड्रेड की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी बैक में प्रीमियम डुअल टोन मेटल फिनिश वाला डिजाइन मिलता है फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिल जाएगा थ्री पॉइंट फाइव जैक मिलता है बात करो

के साथ साथ डुअल डुअस्टर स्पीकर मिल जाएंगे डोलबेट मॉस की तरफ से स्क्रेच रजिस्ट्रन और वाटर रजिस्ट्रेन वाला सर्टिफिकेशन भी और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो करंटली इस टेबलेट का वाई फाइ प्लस फाइव जी वाला वेरेंट फोर प्लस वन ट्वेंटी एट जीबी रोमला एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पे जो टैबलेट आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सीब ए नाइन प्लस तो दोस्तों अगर आपको अभी के टाइम पे ट्वेंटी थाउजेंड के बजट में कोई है लेटेस्ट और बेस्ट सैमसंग का ही टैबलेट चाहिए तो ए नाइन प्लस के साथ आप जरूर जा सकते हैं सैमसंग के जो टैबलेट होते हैं ना वहाँ पर बहुत ही यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ टॉप नोट लेवल के डिस्प्ले की क्वालिटी तो अगर आपको कोई सा एक तगड़े ब्रांड की तरफ से आने वाला टैबलेट चाहिए जहां पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो मेरे ख्याल से टेब ए प्लस आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है यहाँ पर इलेवन इंच जाती है जो की नाइनटी के रिफ्रेश पे वर्क करती है एल्यूमिनियम बैक और एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ आता है जो की एक बहुत ही अच्छा फीचर है उसके साथ साथ थ्री पॉइंट फाइव एम एम गडफ जैक भी मिल जाएगा सिक्स पॉइंट नाइन एम एम के थिकनेस के साथ आता है फोर एटी ग्राम वेट दिया गया है यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स टेबलेट में तीन कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे बात करें प्रोसेसर के तो की तरफ से 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो की आपको वर्क करते हुए की बैटरी और फिफ्टीन वोट तक का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है बात करें कैमरे तो यहाँ पर बैक में सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलेगा एट मेगा का फ्रंट में फाइव मेगा का सेल्फी जी दिया गया है यहाँ पर आपको टेन एडपी तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा बात करो एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर जो सैसंग का पेन है वो नहीं करता है पर आप थर्ड पार्टी स्टाइलिस को यूज़ कर सकते हैं उसके साथी जाएंगे 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 है। है। तो है, रोम वाला वो में मिलेगा एट प्लस वन ट्वेंटी में वाई फाई प्लस फाइव जी वेरियंट चाहिए तो फोर प्लस सिक्सटी फोर जीबी रोम वाला ट्वेंटी थ्री ट्रिपल नाइन में मिलने वाला है बजट बढ़ा सकते हैं तो वाई फाई प्लस फाइव जी भी एक अच्छी जो है उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं पे जो टैबलेट आता है वो आता है की तरफ से गो। तो दोस्तों अगर आपको अभी के टाइम थाउजेंड के बजट ऑफ द बेस्ट टैबलेट चाहिए बहुत ही अच्छी बिना किसी तरीके बात कर लेते मिलती है जो की रिफ्रेश mm बेजल्स मिल जाएंगे फोर हंड्रेड इंच की टिपिकल पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है बात करो फॉर्म फैक्टर की तो सिक्स पॉइंट एट एम एम की थिकनेस मिलेगी और फाइव थर्टी टू ग्राम वेट मिलने वाला है यहाँ पर की तरफ से हिलियो जी नाइन्टी वाला प्रोसेसर मिलेगा टेबलेट एंड्रॉइड पे आता है।, पे आपको करते देखने को मिलने वाला है अच्छी बात यहाँ पर एट थाउजेंड एमएच की एक बिग बैटरी भी मिल जाती जो कि 33 के को सपोर्ट करती है बात की तो बैक में सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलेगा एट मेगा का ई का सपोर्ट दिया गया है फ्रंट में एट मेगा पिक्सल का से मिलेगा बात तो एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर क्वार स्पीकर मिल जाते है यहाँ पर डोल बेट मॉस का सपोर्ट दिया गया है यहाँ पर भी देखो वन प्लस पेन का सपोर्ट नहीं मिलता है बाकी आप थर्ड पार्टी को जरूर यूज कर सकते हैं एलपीडी डी की रैम मिल जाएगी स्टोरेज और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो करंटली इस टैबलेट का एट प्लस वन ट्वेंटी एट जीबी रोम वाला वाई ओनली वाला वेरियंट आपको नाइन 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 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप जाते हैं वाई फाई प्लस फोर जी वाले वेरियंट के साथ तो सेम कॉन्फिग्रेशन के साथ ट्वेंटी में मिलने वाला है थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो ट्वेंटी वन ट्रिपल नाइन में भी एक अच्छी चॉइस रहने वाली है तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिए इसके टॉप फाइव बेस्ट टैबलेट जिन्हें आप अभी के टाइम पे जरूर कंसिडर कर सकते हैं बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलूंगा आपसे वीडियो तब तक के लिए बाय दोस्तों